पर्यावरण अनेक प्रकार से दूषित हो रहा है, जिसका एक मुख्य कारण प्लास्टिक है। तो आज इसी पर आधारित हमारी छात्राएं एक पटनाटक प्रस्तुत कर रही है, जिसका शीर्षक है प्लास्टिक की नहीं कोई शान, मिटा दो इसका नामो निशान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम स्कॉलर स्कूल के विद्यार्थी आप सभी के समक्ष एक संगीन समस्या पर पटनाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या है आप सबके पास इस समस्या का हल। छुट्टी, ये आज स्कूल में छुट्टी है, ये। क्या हुआ बेटा, इतना खुश क्यों हो रहे हो? आज स्कूल में छुट्टी है, ये। छुट्टी? अचानक छुट्टी क्यों? कल रात बहुत बारिश थी ना, भर गया पानी। अरे बाप रे, इतना पानी भर गया था कि सारा सामान खराब हो गया। कल रात बहुत भरकर बारिश हुई थी, क्या आपको पता है इसका कारण क्या हो सकता है? बारिश आए तो परेशानी, ना आए तो परेशानी। नहीं, इसका कारण भी हम ही है। मेरी टीचर कहती है हम जो प्लास्टिक इधर उधर फेंक देते हैं उससे पानी का बहाव कम हो जाता है, इसीलिए हमें प्लास्टिक की थैलियाँ छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल सही, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। हम सब कैसे? पॉलिथीन को मत अपनाओ, मत अपनाओ, मत अपनाओ, ऐसी गड़बड़ मत दोहराओ, मत दोहराओ, मत दोहराओ, बैग फंसेंगे तो हम भी फंसेंगे, हम भी फंसेंगे, हम भी फंसेंगे, पॉलिथीन को मत अपनाओ, मत अपनाओ, मत अपनाओ। हुड हुड हट, हुड हुड हट हट। अरे अरे क्या हुआ, अरे कोई है, अरे मेरी गाय मर गई। क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? अरे मेरी गाय हर रोज 12 लीटर दूध देती थी, आज मर गई, हाय मैं लूट गया। हाँ हाँ, आजकल गांव गांव में यही हो रहा है, जिसके वजह से पशु पक्षी अचानक मर रहे हैं, इसके कारण पृथ्वी पे दुष्परिणाम हो रहा है। हाँ हाँ, बाजू के गांव में बर्फी लाल की भी गाय मर गई थी, और जांच करने पे पता चला था कि उसके पेट में से लगभग 10 किलो प्लास्टिक निकला। क्या प्लास्टिक, इतना सारा? हाय हाय, ये भला प्लास्टिक, क्या है ये प्लास्टिक? मैं हूँ प्लास्टिक, गलियों में, चौबारों में, सड़कों पर, खलिहानों में, हर जगह सिर्फ मेरा ही बोलबाला है। मैं हूँ प्लास्टिक। मैं हूँ प्लास्टिक, चारों तरफ हाहाकार मचाया, तुम सबको अपना गुलाम बनाया, मैं हूँ प्लास्टिक, हा। बागों की सुंदरता को मिटाया, पहाड़ों की गरिमा को ललकारा, हर घर में सिर्फ मैं हूँ समाया, हा। मैं हूँ प्लास्टिक। खेतों को बंजर बनाया, ना मैं सड़ू ना मैं गलू, जन्म जन्म का साथ निभाया, साथ निभाया, बर्बादी लाया। नश करो, नश करो, नश करो, नश करो, पॉलिथीन को नश करो, पॉलिथीन को नश करो, सूझबूझ से काम करो, काम करो, काम करो, पॉलिथीन को नश करो, नश करो। चलो चलो, हम सब इसे जलाकर इसकी कहानी ही खत्म कर देते हैं, फिर ना रहेगी बस और ना बजेगी बांसुरी। अरे नहीं, हम इसे नहीं जला सकते, इसे जलाने से जहरीली गैस निकलती है जो हम सभी के लिए हानिकारक है। तो क्या आप सभी को समझ में आया कितना संगीन है मामला? तो क्या आप और आप तैयार है ये संकल्प उठाने के लिए, मुंबई को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए? सब्जी भाजी जब लेने जाओ, लेने जाओ, लेने जाओ, थैली घर से साथ ले जाओ, साथ ले जाओ, साथ ले जाओ, अपनी धरती को बचाओ, धरती को बचाओ, धरती को बचाओ, पॉलिथीन को मत अपनाओ, मत अपनाओ, मत अपनाओ, प्लास्टिक 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 की थैली तुम छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। गिव द चेयर टू द प्लास्टिक।
प्लास्टिक टिक ना पाए रे। सिचुएशन ड्रास्टिक है, जहां देखो प्लास्टिक है। सिचुएशन ड्रास्टिक है, जहां देखो वही थैली बोतल स्ट्रॉ इत्यादि सर्रे सर्रे में फैला दे। ना घट पाए ना मिट पाए, रह रह के टॉक्सिक बन जाए। इससे छुटकारा तो नहीं पर है एक सरल उपाय रे। सिंगल यूज प्लास्टिक को हम कह दे बाय बाय रे। टिक 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 कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। बदल जाएगा कि इस धरती के नाने से ये बोझा हट जाएगा। Reuse, 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 recycle, ये नए रिवाज है। प्लास्टिक वाले स्माइल सारे तू चुके, आओ खुल के मुस्कुराए रे। कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। माशाल्लाह, व्हाट अ मोटिवेशनल परफॉर्मेंस। हमें ये प्रण लेना है कि आज से हम प्लास्टिक का उपयोग ना करके अपनी धरती और स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे और पेपर बैग्स यूज करेंगे।